नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube वीडियो चैनल जिसका नाम है इंग्लिश यूनिवर्स। दोस्तों और साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आपके बीच हूं। एक ऐसा टॉपिक जिसे पढ़कर, जानकर और समझकर आप एक अच्छे तरीके से इंग्लिश राइटिंग कर सकते हैं। हमेशा एक व्यक्ति की हमें यही प्रॉब्लम रहती है कि मुझे ग्रामेटिकल्स प्रॉब्लम है, मुझे टेंस की प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम की जो जड़ है उसके बारे में आज हम बात करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जी हाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम आपको बताने वाले हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। आपके मन में भी बहुत जिज्ञासा होगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो मैं आपको ऐसे समझाऊं जैसे मैं आपके सामने हूं, ये डायरेक्ट है, और मैं ऐसे हो जाता हूं, ये इनडायरेक्ट है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे कहने का तरीका बदल जा रहा है पर मैं एक ही हूं। यानी इंसान एक ही है, बस उसके कहने का तरीका बदलता है। आइए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने से पहले कुछ उसके जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, राम सेड टू मी कॉमा डोनोटेड कॉमा यू आर अ गुड बॉय। राम सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। अगर आप ध्यान से देखें इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। एक पार्ट आपका ये है और दूसरा पार्ट ये है। अब इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर इस वाले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट में इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और चूंकि राम ने ये बात कही है, और इसलिए इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलेंगे? ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। जी, ये राम का स्पीच है। अब आपको सिंपल याद करने का तरीका कि डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर की जो चीज़ है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और कॉमा के बाहर की जो चीज़ है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। इतना क्लियर हुआ? अब हम इसके बारे में क्या जानते हैं वो हमको सीखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक को जानने से पहले कुछ और कॉमन चीज़ें हैं, जैसे मैं कुछ आपको रूल्स बताता हूँ। रूल्स में सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोनाउन की। प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन से पहले मैं आपको बात करता हूँ पर्सन की, PERSON। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन को हम समझते कैसे हैं? जैसे मैंने तुमसे कहा कि वह अच्छा लड़का है। मैंने मतलब आई, तुमसे मतलब यू, और वह मतलब ही। देख रहे हैं? फिर हम बदलें, हमने तुमसे कहा कि वह अच्छी लड़की है, वी। यू, वह अच्छी लड़की है, सी। हमने तुमसे कहा कि वे अच्छे खिलाड़ी हैं, दे। देख रहे हैं कितना इजी तरीका है पर्सन को जानने का। यानी आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, ही सी दे ये थर्ड पर्सन है। साथ साथ जितने प्लूरल्स हैं, जितने प्लूरल्स हैं सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। और जहाँ तक प्रोनाउन की बात है, जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है, यानी अगर सब्जेक्ट राम है तो उसके जगह पे यहाँ पे ही आएगा, ये उसका प्रोनाउन कहा जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और ये पर्सन। हम आगे आते हैं एक रूल्स की ओर, और वो रूल्स आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और वो रूल क्या है दोस्तों? वो रूल है SON रूल। रूल है SON रूल। SON लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेकेंड पर्सन के हिसाब से चेंज होता है,
और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब आप पूछेंगे कि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता सर? तो थर्ड पर्सन जैसे मैं सूरज, अब सूरज को अगर आप सूरज वर्मा को थर्ड पर्सन बदलेंगे तो कोई दूसरा नाम डालेंगे नहीं। सीमा कोई लड़की है, उसका थर्ड पर्सन है, वो उसका नाम बदलेगा नहीं, इसलिए थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया डायरेक्ट सेंटेंस। अब इसी को मैं इनडायरेक्ट में बना देता हूँ और मैं लिखता हूँ, राम टोल्ड मी दैट ही वाज अ गुड बॉय। डबल नोटेड कॉमा हट गया, देख रहे हैं, ये हमारा है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें कुछ चीज़ें जो बदली हैं उस पर हम बात करते हैं। देखते हैं, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, ये कॉमा यहाँ से हटा तो यहाँ पे दैट आ गया, यू की जगह यहाँ पे ही आ गया, आर की जगह यहाँ पे वाज आ गया, यानी बदला क्या? बदल गया हमारा टेंस, बदला क्या? बदल गया हमारा कंजंक्शन, बदला क्या? बदल गया हमारा सब्जेक्ट, और बदला क्या? सेट टू की जगह हमारा हो गया टोल्ड, यानी ये चीज़ें चेंज हुई। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ चीज़ें चेंज होती हैं उसको जानना है। सबसे पहले तो ये सेड टू चेंज होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने वाला ये जो कॉमा डबल डॉट कॉमा है ये चेंज होता है, सब्जेक्ट चेंज होता है और उसका टेंस चेंज होता है। इतना क्लियर हो गया आपको? अब हम आते हैं इस रूल के डिटेल में। अगर हम डिटेल बात करें तो आपको टेंस तो पता ही होगा, अब उस टेंस को हमें बदलना होता है। टेंस को बदलने के कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे मैं प्रेजेंट की बात करूं, किसकी मैं अगर प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बदल के जाता है आपका, आप नोट करते रहें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। और फिर आप पूछेंगे सर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में होता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब प्रेजेंट आ गया, अब आ गया जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट किस में चेंज होगा भाई? अभी इसके पास्ट में हो जाएगा, ये होगा पास्ट इनडेफिनिट, ये पास्ट इनडेफिनिट में चेंज होगा। अब आप पूछेंगे सर ये पास्ट इनडेफिनिट किस में चेंज होगा, तो पास्ट इनडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, आप समझते रहिए, हर चीज़ का पास्ट ले जाना है। जैसे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इनडेफिनिट को पास्ट इनडेफिनिट, और पास्ट इनडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब बात आती है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो कहाँ पे जाएगा? प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट को कहाँ ले जाएंगे? अरे भाई वो तो ऑलरेडी पास्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही होता है। क्लियर हो गया? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का परफेक्ट, और क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हैं आप? सबका पास्ट बनाना है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं। क्या कभी आपका पास्ट आपका फ्यूचर बन सकता है? जो चीज़ें बीत गई हैं क्या आपके भविष्य में आ सकती हैं? नहीं। यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जानने से पहले आपको टेंस और उसकी हेल्पिंग वर्ब का जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसी के हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती हैं। ये जो टेंस जो होता है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच में आता है और रिपोर्टेड स्पीच की चीज़ों को हम चेंज करते हैं।
दूसरा एक चीज और, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके आइए, दूसरा हम बात करते हैं, जो हम सेड टू को चेंज कर रहे हैं उसका एक नियम है, वो मैं आपको बताता हूं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा सेड टू, सेड टू को हम कैसे चेंज करेंगे, सेड टू को कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए सेड टू को दो चीजों में चेंज करते हैं, एक होता है टोल्ड और एक होता है आस्क्ड। सेड टू को टोल्ड और आस्क्ड में चेंज करते हैं। कब? जब टोल्ड में चेंज किया जाएगा उस केस में जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ध्यान दीजिए, जब हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कामा के अंदर की जो चीज़ है वो या तो वो सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और सेट टू को जब आस्ट में बदलेंगे, कब बदलेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगी, INTERRO इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच में। क्लियर हो रहा है ना? अब जब आप सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे ना, तो उसके साथ कंजंक्शन दैट लगेगा। कंजंक्शन मतलब जो आपका जो कॉमा है हटेगा और वहाँ पे कंजंक्शन दोनों सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। और जब आप सेट टू को आस्ट में बदलेंगे तो इसके साथ कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सेट टू को हम टोल्ड में बदलेंगे और उसके साथ दैट लगाएंगे, कंडीशन है कि रिपोर्टेड स्पीच या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। और सेट टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, कब, जब हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, और जब सेट टू को आस्क्ड में बदलेंगे तो कंजंक्शन इफ या वेदर ही लगाएंगे। ध्यान रखिए, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत कर दीजिएगा कि सेट टू को टोल्ड में बदले और कंजंक्शन इफ या वेदर लगा दिए, नहीं, ये कंडीशन गड़बड़ा जाएगी आपकी, ये सीधे सीधे चलता है रूल, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा सिखा सेड टू मी, सिंगल कामा डबल कामा में यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ गुड टीचर। ध्यान दीजिए, ये हो गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच और ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने बोला ना क्या क्या बदलेगा, सबसे पहले तो सेट टू को बदलेंगे, देखेंगे भाई सीखा की जगह तो हम सीखा ही रखेंगे, स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा, सीखा ए सीखा। अब ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच आपकी है पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी सेट टू की जगह क्या बदलेंगे, टोल्ड, सीखा की सेट टू की जगह हो जाएगा टोल्ड और मी अपनी जगह, ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कंजंक्शन लगेगा, और सेट टू को जब टोल्ड में बदलते हैं तो कंजंक्शन दैट लगाते हैं। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यू है, यू कौन सा पर्सन है, रूल देखिए यस ओ यान 1 2 3, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट मिलेगा कहाँ, टू के बगल में, टू के बगल में मी मिला ना, और मी का सब्जेक्ट यहां पे क्या होगा भाई, आई। आप हमेशा जान सकते हैं यू की जगह या तो फर्स्ट पर्सन लिख सकते हैं या तो थर्ड पर्सन, यहां पे ही भी लिखा जा सकता, आई। अब ये आर कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट टेंस, बदलेगा किस में, पास्ट में, आई की जगह वाज हो जाएगा आर, वाज अ गुड टीचर, टीचर तो टीचर रहेगा, गुड गुड रहेगा, कोई दिक्कत, फिर से एक बार रिवाइज करिए। मैंने देखा कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी पॉजिटिव सेंटेंस है। मैंने आपको रूल बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर पॉजिटिव सेंटेंस में होगी तो सेट टू की जगह टोल्ड लगेगा, और जब सेट टू की जगह हम टोल्ड लगाएंगे तो कंजंक्शन हमेशा दैट लगाएंगे। तो मैंने सेट टू की जगह टोल्ड लगाया और यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगाया,
यू सेकेंड पर्सन था, चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी था और मी का सब्जेक्ट आई होता है, हमने आई लिख दिया। ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे हमने पास्ट टेंस कर दिया और बाकी चीज़ों को हमने जस की तस उतार दी। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसी में हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यू आर नॉट अ गुड टीचर, यू आर नॉट अ गुड टीचर। फिर भी तो नियम कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं है, कंजंक्शन वही दैट ही लगाना है, सेट टू जगह टोड लगाना है। फिर से एक बार लिखते हैं, ये लिखा जाएगा सीखा टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट, आई वॉज नॉट अ गुड टीचर, आई वॉज नॉट अ गुड टीचर। एनी डाउट बच्चों? देखिए टोल्ड, ये देखिए दैट, ये देखिए आई, ये देखिए वॉज। टेंस चेंज हुआ, आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ, कंजंक्शन चेंज हुआ और सेट टू चेंज हुआ। आगे बढ़ें, आगे बढ़ने से मतलब हम इसी को पहले इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। एक इंट्रोगेटिव का हम एग्जांपल, फ्रेश एग्जांपल लिख सकते हैं। चलिए हम इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, लिख रहे हैं अजय सेड टू मी आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी इंट्रोगेटिव है तो कंजंक्शन क्या लगेगा भाई? इफ या वेदर लगेगा, और सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। मी अपनी जगह, अजय अपनी जगह, कोई डाउट? अजय आस्क्ड मी इफ, अब यू की जगह क्या होगा? आई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेशक है, लेकिन जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सब्जेक्ट कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। आई हो गया, अब ये देखिए हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और हो जाएगा किस में? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। एनी डाउट? ओके, अच्छा आगे आते हैं, हम इसको मिटाते हैं और इसके आगे हम चेंज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, लिख रहे हैं अजय सेड टू मी, क्या द बॉयज प्ले इन द फील्ड, द बॉयज प्ले इन द फील्ड, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे जो है एस आई एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। अब देखिए सिंपल सी बात है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो लग गया दैट, और सेट टू की जगह बदला आपने टोल्ड, यहाँ लगाया मी और यहाँ लगाया अजय, कोई डाउट? अब यह है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और ये बदलेगा किस में? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। दैट द बॉयज प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड इन द फील्ड। आप एक बार देख लीजिए, कहीं कोई डाउट आपको? रिपोर्टेड स्पीच चूंकि पॉजिटिव थी तो हमने दैट लगा करके सेट टू जगह टोल्ड कर दिया, और बाकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसको हमने बदल दिया पास्ट इंडेफिनिट में। अब अगर हम इसी को नेगेटिव बना दें, अब से फ्रेश सेंटेंस लिखिएगा द बॉयज डू नॉट प्ले इन द फील्ड। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कंजंक्शन दैट और सेट टू को बदलेंगे टोल्ड में, तो हमने ये चीज रहने दिया द बॉयज। अब यहाँ पे डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा भाई? सेकेंड फॉर्म तो हट गई, अब यहाँ पे डिड नॉट लगेगा ना, द बॉयज क्या होगा बताइए? डू नॉट की जगह डिड नॉट प्ले इन द फील्ड, द बॉयज डिड नॉट प्ले इन द
फील्ड, आप फ्रेश सेंटेंस लिखा करिए। क्लियर? आगे बढ़े, अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसी को लिख दें हम, डू द बॉयज प्ले इन द फील्ड, डू द बॉयज प्ले इन द फील्ड, क्या बच्चे, क्या खिलाड़ी या क्या बच्चे फील्ड में खेलते हैं। अब मैंने बताया जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव आए तो वहाँ पे कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर, ये कॉमा हटेगा, यहाँ लगेगा इफ, और सेट टू को बदलेंगे आस्क्ड में, मी अपनी जगह और ये अजय अपनी जगह, अजय आस्क्ड मी इफ, इसके तुरंत बाद कंजंक्शन, इफ द बॉयज, प्रेजेंट इंडिफरेंट को बदलेंगे पास्ट इंडिफरेंट में, सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा, इफ द बॉयज प्लेड इन द फील्ड। ध्यान रखें जब रिपोर्टेड स्पीच जो भी है डायरेक्ट उसको इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं लगेगा, ये इफ से पता चल जाता है कि ये रिपोर्ट जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस था उसकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव थी। आप इसको एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ें, एक हम आपको इम्पॉर्टेंट रूल और बताना चाहते हैं, इसमें रूल हैं आपको याद करना है, रूल, रूल क्या है, रूल ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, व्हिच, हुम, यानी कुल मिला के जो डब्ल्यू एच वर्ड है, अगर ये आता है तो क्या किया जाएगा। आपको पता है ना कि ये वर्ड जब भी आएगा तो हमेशा आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है, और सेट टू की जगह हम आस्क्ड में बदलेंगे, लेकिन जो हम कंजंक्शन लगाते थे ना इंट्रोगेटिव केस में, इफ या वेदर, वो नहीं लगेगा। पूछिए क्या लगेगा, उसकी जगह पे ये वाले वर्ड जस के तस लिखे जाएंगे और उसके तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। हम एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है, एग्जांपल है, यहाँ पे लिखते हैं, व्हाई डू द बॉयज प्ले इन द फील्ड, समझ रहे हैं आप, ये डब्ल्यू एच का रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो वो सबके साथ कंजंक्शन हमारा वही लगेगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अजय, सेट टू की जगह क्या हुआ भाई, आस्क्ड मी, और ये लग गया कंजंक्शन, क्या कहेंगे, व्हाई, उसके तुरंत बाद क्या लगना है, सब्जेक्ट लगना है, व्हाई द बॉयज, पास्ट इंफिनिट होगा ना, प्लेड इन द फील्ड, व्हाई द बॉयज प्लेड इन द फील्ड, एनी डाउट, आगे बढ़ें, चलिए आगे देखिए, आगे मैं आपको एक और बताता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो गया, हम पास्ट इंडिफिनिट में आते हैं, लिखिए सिमरन सेड टू राम, आई वेंट टू स्कूल एस्टरडे, आई वेंट टू स्कूल एस्टरडे। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद करने की बताता हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं, आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए, अगर टुडे है, टुडे कन्वर्ट होगा दैट डे में, टुडे कन्वर्ट होगा दैट डे में, ठीक है, अगर नाउ है, नाउ कन्वर्ट होगा देन में, अगर आपका टू नाइट है, आज की रात, ये कन्वर्ट होगा दैट नाइट में, ठीक है,
और अगर आपका है एस्टरडे, एस्टरडे ये चेंज होगा द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। एनी डाउट? टुमारो है अगर, टुमारो है अगर तो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में। अगर हियर है तो ये कन्वर्ट होगा देयर में। अगर सिंस है ये कन्वर्ट होगा फार में। आप इसको एक बॉक्स में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। टुडे का दैट डे, नाउ का देन, टू नाइट का दैट नाइट, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, हियर का देयर, सिंस का फार। क्लियर? स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़िया। अब मैंने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में आती है तो हम उसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। और आपको टेंस क्लियर होगा, पास्ट परफेक्ट में जब बदलते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ हैड लगाते हैं। अब चूंकि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो पुराना वाला नियम फॉलो करिए। ये हो जाएगा टोल्ड, ये हो जाएगा राम, और ये हो जाएगा सिमरन। सिमरन टोल्ड राम, टोल्ड लगाए तो कंजंक्शन हो जाएगा दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सिमरन। सिमरन लड़की है, फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है, तो उसका यहाँ पे क्या लगेगा? आई की जगह सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर सिमरन की जगह कुछ और होता, शिखर होता, तो आई की जगह ही हो जाता, क्योंकि वो मैस्कुलिन जेंडर था। सिमरन अब वेंट है, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सिमरन हैड, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट? सेट टू की जगह टोल्ड में रखा है आपने, और जब टोल्ड में बदला तो कंजंक्शन दैट लगाया, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट था तो इसको आपने बदल दिया पास्ट परफेक्ट में, आई की जगह सी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है यहाँ पे सिमरन, सिमरन चूंकि स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, फीमेल है, इसलिए वहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा सी। और ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और गॉन लगाएंगे और यस्टरडे को बदल देंगे द प्रीवियस डे में। एनी डाउट? ठीक। अब अगर इसी को हम निगेटिव रहे, आई डिड नॉट, आप एक फ्रेश सेंटेंस लिख लीजिएगा। सिमरन सेड टू राम, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। आपको पता है ना, जब डिड नॉट लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब इसको हम कैसे बदलेंगे? अब देखिए, ये हमारा सेंटेंस निगेटिव है। मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव और निगेटिव में सेट टू को टोल्ड में ही बदलते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं। कभी मत भूलिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन कहाँ होगा? हैड और गॉन के बीच में क्या लग जाएगा? नॉट। आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा, सिमरन टोल्ड राम दैट सी हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। रुक जाए, ओके, नोट करिए। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसी को हम क्या बनाते हैं? इंट्रोगेटिव। हो गया, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते हैं और लिखते हैं व्हाई डिड सिमरन, या पहले डिड लगा देते हैं उसके बाद हम आपको बताते हैं, डिड सिमरन गो टू स्कूल एस्टरडे। डिड सिमरन गो टू एस्टरडे? क्या सिमरन कल स्कूल गई? अब आइए, सिमरन की जगह भाई सिमरन करिए। अब इंट्रोगेटिव है, सेट टू की जगह क्या हो जाएगा? आस्ड हो जाएगा, राम की जगह राम होगा। आज जब बदलेंगे तो कंजंक्शन इफ लगाएंगे और इसके तुरंत बाद सिमरन डिड यू हो जाएगा, सॉरी डिड यू गो टू स्कूल एस्टरडे। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना है, यू है, देखिए यू है सेकेंड पर्सन, मैंने क्या बताया था, या तो आई होगा या तो
ही या तो सी होगा। आई करिए, इफ आई, और ये हो जाएगा वेंट टू स्कूल द प्रीवियस डे। एनी डाउट आपको? कोई डाउट, कोई दिक्कत? पास्ट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसीलिए सेट टू को हमने आस्क में बदल दिया और कंजंक्शन हमने इफ लगा दिया और ये वर्ब की सॉरी गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आई हैड गॉन टू स्कूल, सॉरी आर टू इज फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, आई हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट हो गया, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल एस्टरडे, व्हाई डिड यू, तुम कल स्कूल क्यों गए? सिमरन ने राम से पूछा, सिमरन ने राम से पूछा, मतलब कि ही से पूछा, जैसे पहले वाले सेंटेंस में आप वहां पे ही भी कर सकते थे। अब यहां पे लिखेंगे, सिमरन आस्क्ड राम, मैंने बोला था रिपोर्टेड स्पीच में डब्ल्यू एच का कोई वर्ड होगा वही कंजंक्शन होगा। सिमरन आस्क्ड राम व्हाई, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? राम, राम की जगह क्या होगा? ही, व्हाई ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड, व्हाई ही हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, व्हाई ही हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। अब देख रहे हैं ना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाई ही हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, कहीं कोई दिक्कत? व्हाई वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट था तो हमने पास्ट परफेक्ट बना दिया। इस तरीके से आपका ये परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का भी रूल खत्म हुआ। अब हम आते हैं दूसरे रूल की ओर और हम दिमाग लगाते हैं एक नए तरीके के सेंटेंस फॉर्मेशन में। सेंटेंस फॉर्मेशन अभी मैं आपको टेंस बदल करके सिखा रहा हूँ, टेंस बदल करके, बाद में मैं आपको और भी चीज़ें बदल कर सिखाऊंगा। अभी देखिए, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, अब पास्ट परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट जान ही रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। हो रहा है, रिया सेड टू अद्वित, रिया सेड टू अद्वित, ठीक है, आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क लिख दिया मैंने। अब यह है हमारा आई हैड डन माई वर्क पास्ट परफेक्ट में। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंजंक्शन आपका लगेगा दैट और सेट टू को बदल देंगे आप टोल्ड में, यहाँ अद्वित अपनी जगह हो जाएगा, रिया अपनी जगह हो जाएगी। रिया टोल्ड अद्वित दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिया दैट सी, ये ऐसे ही रहेगा, सी हैड डन, सी के साथ लगेगा हर और ये हो जाएगा वर्क, दैट सी हैड डन हर वर्क, ठीक। अब अगर हम इसी को निगेटिव में बदल दें तो क्या होगा भाई? अगर बाय द वे ये निगेटिव हो जाता है, यानी कि आई हैड नॉट, आप फ्रेश सेंटेंस लिखिएगा, आई हैड नॉट डन माई वर्क, तो क्या होगा? सी हैड नॉट डन हर वर्क, देख रहे हैं, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो जाए, दैट हैड आई डन माई वर्क, हैड आई डन माई वर्क, अब तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अब चूंकि इंट्रोगेटिव आ गया तो हम बदलेंगे जरूर और लिखेंगे रिया सेट की जगह क्या हो जाएगा? आस्क्ड अद्वित, रिया आस्क्ड अद्वित, इफ यहाँ पे होगा सी, क्लियर है ना, आई की जगह सी
she had done her work. That she had done her work. यहाँ तक कोई डाउट है आपको? पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में ही बदलते हैं. आगे देखते हैं, आगे हम बताते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को. जैसे हमने लिख दिया द टीचर सेड टू द बॉय यू वेयर गोइंग टू मार्केट. यू वेयर गोइंग टू मार्केट पास्ट कंटिन्यूअस है, बदलेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या लिखेंगे? हैड बीन. क्या लगाएंगे? हैड बीन. आपको पता होना चाहिए, टेंस तो आना चाहिए. पॉजिटिव सेंटेंस है, सेट की जगह बदलेंगे टोल्ड में और कामा की जगह लगेगा दैट. यहां पे लिखेंगे आप द बॉय और यहां पे लिखेंगे द टीचर. देखो भाई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? डाउट का मतलब ये आपका टोल्ड हो गया और ये आपका दैट हो गया. एनी डाउट? कोई डाउट नहीं. अब यू सेकेंड पर्सन है, चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू यस ओ. ऑब्जेक्ट बॉय की जगह क्या हो जाएगा? ही और यहाँ पे होगा हैड बीन. हैड बीन क्यों हो रहा है भाई? ये पास्ट परफेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब है उसकी. दैट ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट. ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट. समझ में आ गया आपको? इसी को निगेटिव बना दीजिए, यू वेयर नॉट. फिर क्या हो जाएगा? बनाइए द टीचर टोल्ड द बॉय दैट. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही है ही हैड नॉट बीन. ही हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट. क्लियर? इंट्रोगेटिव कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप कर सकते हैं व्हाई, या यहाँ पे कर सकते हैं आर यू गोइंग टू मार्केट. क्या होगा? फिर चेंज होगा, लिखेंगे द टीचर टोल्ड द बॉय दैट ही हैड बीन. सॉरी इंट्रोगेटिव है, सेट टोल्ड की जगह क्या होगा? आस्ड होगा और कंजंक्शन इफ लगेगा. इफ ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट. इफ ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट. क्लियर हो गया आपको? ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस को आपने बदला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ठीक है? अच्छा, आगे के हम कुछ रूल्स आपको और समझाना चाहते हैं. अब जैसे एक और एग्जांपल है कि जब ऐसे लिखते हैं, राम सेज यू आर अ गुड बॉय. राम सेज यू आर अ गुड बॉय. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, राम विल से और यहां पे हो गया यू आर अ गुड बॉय. मैं दो दो एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगा. ये देखिए आपका हो गया क्या भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट और ये क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट. नियम है यहाँ पे, आप लिखिए रूल कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट में है
तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दैट लगा करके उस चीज़ों को जस का तस लिख दिया जाएगा। ये हो जाएगा राम सेज दैट, यू तो चेंज ही होगा, दैट ही इज अ गुड बॉय, देख रहे हैं यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुई यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम